मम्मी जी और सिमी तो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। जैसे भी हो, अपना नजरिया तो उन्हें समझाना ही होगा। सब ठीक होगा। मम्मी जी, रिंकी, कहां के सारे घर वाले? किसको ढूंढ रही है? कहां गए सब लोग? पिक्चर देखने गए हैं। आपका फोन ट्राई कर रहे थे तो मिला नहीं, वो अकेले ही चले गए। एक्सक्यूज मी। ओह, एक्सक्यूज एक्सक्यूज ही एक्सक्यूज है, जाइए। आपने पूछा नहीं कि हम क्यों नहीं गए? एक्चुअली आपकी ही खातिर हमने बहाना बना करके यहां रुक गए। हम भी पागल थे। नहीं मतलब क्यों जल्दबाजी कर रहे थे समझ नहीं आया। वो क्या है ना कि उस दिन सब लोग घर में थे, आप भी परेशान हो गई थी। हर इंसान को बदनामी का डर होता है। आज देखिए मैंने सारा घर खाली करवा लिया है आपके लिए। आज सिर्फ मैं और आप, ऐसा ही चाहती थी ना आप। देखिए, रुक जाइए, एक कदम आगे मत बढ़ाइएगा। आराम से इश्ता जी, आराम से। हॉट टाइम है हमारे पास, मैं बैठ जाऊं? आप क्या सोच क्या रहे हैं? आप मेरे घर में मुझे डरा रहे हैं? मैं बहू हूँ इस घर की। आप मुझे वो सारिका की तरह मत समझिए कि मैं चुपचाप आपका टॉर्चर सह लूंगी। मैं वो नहीं हूँ। मतलब आपको मालूम चल गया सारिका के बारे में? खैर चल गया तो छोड़िए अभी, लेकिन आप किससे बराबरी कर रही हैं? वो गिरी हुई लड़की, और कहां आप? इश्ता जी आप बहुत हसीन हैं, और आपकी अदाएं, उफ। You are such a creep. आप जानती हैं ना? इससे खेलना है? अरे ठीक है, ये खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। आप इधर से आइए, मैं इधर से जाता हूं, या आप इधर से आइए, मैं इधर से जाता हूं। जैसे बोलिए मैं वैसे करता हूं। मैं आपका सेवक हूं, आप बोलिए बस।
आपको क्या लग रहा है? आप ये सब हरकतें करेंगे और ये सब छुपा रह जाएगा? ये छुपने नहीं वाला है। I am warning you, मौका है, आप चले जाइए यहाँ से बाहर। Just go from here. अरे आप इशिता जी, आप पानी पीजिए, लीजिए आप। छोड़ो। तोड़ दिया ये भी। चलो अच्छा है, ये भी सुबह गिलास उड़ गया। एक्चुअली ओके, मैं यहीं पर ठीक हूँ। इश्ता जी, मुझे आपकी अच्छाइयों का बहुत ख्याल है। मैं जब इस घर में आया था ना, तो आपने सबसे लेकर के आज तक में मेरे लिए बहुत कुछ किया, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, और आपने पूरे घर के लिए किया। आपने रमन के लिए किया, आपने रूही के लिए किया, पर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। रमन आपको कुछ समझता ही नहीं, हमेशा निगलेक्ट करता है। एक मिनट, आप बैठिए ना। मैं क्या बोल रहा था, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कुछ समझते ही नहीं आपको। इश्ता जी, मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो रमन से आपको नहीं मिलता। आप करीब आइए और करीब आइए, आपको मालूम चलेगा कि मर्द की बाहों में आने के बाद कितना आनंद आता है। Just shut up! इश्ता जी, बैठिए तो, आप बैठिए तो। इश्ता जी बैठिए। क्या इश्ता जी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और कुछ हो भी नहीं सकता है। देखिए, आप मां नहीं बन सकती है, तो कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं। देखिए ना, आपका पति भी इस समय मुंबई में कहीं किसी होटल के रूम में बैठा हुआ अपनी एक्स वाइफ के साथ में वही सब कर रहा होगा। आपके साथ भी फेयर होना चाहिए ना। वो जो वहां कर रहा है वो हम यहां करते हैं। Shut up! ये बकवास में सहन नहीं करने वाली, तो मुझसे दूर रहो। इश्ता जी, ये गलत है। नहीं, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ और आप वहां चला रही हैं। ये बहुत गलत है, आप समझ नहीं रही हैं। बस! बहुत हो गया छटपटाना। अब मैं दिखाऊंगा आपको आपके थप्पड़ का जवाब। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इश्ता जी। आज आपका वो अश्र करूंगा ना मैं, किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगी। छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया, अपने से हो गया। तक तुम लॉकअप में।